और देखते हैं कौन कितना खरा उतरा। हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो लेटेस्ट हमें क्या ध्यान में आता है? पुलवामा। मैं कई बार सोचती हूँ, पुलवामा इस पिद्दी से पाकिस्तान ने जो हमारे आधे पंजाब को तोड़कर बनाया गया है, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि उनके जो बड़े बाऊजी हैं हिंदुस्तान, उन पर आक्रमण कर सके? इस पाकिस्तान को डर नहीं लगता कि 135 करोड़ का जो भारत है वो अगर खड़ा हो गया तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा? तो ध्यान में आया कि इस पिद्दी से पाकिस्तान को डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? इसको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि इस पिद्दी से पाकिस्तान को पता है कि भारत के लोग एक स्वर में बात नहीं करते हैं। भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो, जो सुबह से शाम तक आर्मी वालों को गाली देता है। ओ आर्मी के जवान, दे आर रेपिस्ट एंड सेक्सुअल असॉल्टर्स। आर्मी का जो चीफ है वो तो सड़क छाप गुंडा है, और ये पत्थरबाज कौन है? छोटे छोटे बेचारे कश्मीरी वो बच्चे हैं जो मोटे मोटे पत्थर आर्मी के लोगों पर मार रहे हैं। इनके लिए पूरी जमात खड़ी हो जाती है हमारे भाइयों के लिए, और कश्मीरी पंडितों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये पाकिस्तान देखता है कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जो कहते हैं, तो यहाँ से केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बरसी मनाओ यहाँ अफजल गुरु की, याकूब मेमन की, बाकी आतंकवादी भी ले आओ बरसी मनाने के लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और भारत तेरे टुकड़े कहना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19। इन्हें कहो कभी फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ लो, कभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ लो। उसके बाद आगे आते हैं, उरी और पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है यहाँ से। ये नहीं कहा जाता अरे मिमे आते हुए, अरे अमेरिका, अरे पाकिस्तान, सबूत तो देख लो। वो कहते हैं एक्शनेबल सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग डूइंग। मोदी जी कहते हैं घुस कर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को बालाकोट में समाप्त कर दिया जाता है। पर यहाँ ऐसे कुछ नेता हैं, कुछ दल हैं जो कहते हैं अरे सर्जिकल स्ट्राइक वो तो हुई ही नहीं, प्रूफ क्या है? They question the valor of Indian army. वो कहते हैं ये मोदी जी थिएट्रिक्स करना बंद करो, सैनिकों की खून की दलाली बंद करो, आपको कैसे पता कितने मरे? लोग कहते हैं अगली बार मोदी जी इनको साथ ले जाना वहां पर। फिर आप आगे आइए, रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों के समर्थन में आपके और हमारे ही कुलीग्स लाइन में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, और जो कश्मीरी पंडित बहन और भाई हैं वो देखते रहते हैं शायद इनमें से कोई अगर जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे लिए भी खड़े होने वाला हो। कोई खड़ा नहीं हो। एनजीओस के कहने पर, इन लॉयर्स के कहने पर सुप्रीम कोर्ट आधी रात को मर्सी पिटिशन सुनने के लिए बैठती है, और राम जन्मभूमि केस में डेट पे डेट लगती जाती है, और कहा जाता है इट इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी। मैं एक बात और कहूंगी, राम जन्मभूमि पर कोई कहता ना हम सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट करेंगे, लंपेन एलिमेंट्स। और आज जब सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है तो लिबरल है, ये तो प्रोग्रेसिव फोर्सेस है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना हम लॉयर्स का कर्म भी है और धर्म भी है। और ऐसे नेता और ऐसे लोग जब हमारे बीच में वोट मांगने आए, हमारे आसपास भी फटके, तो उन्हें यही कहना होगा कि सूरज करता नहीं दोस्ती राख और अंगारों से, चांद करता नहीं दोस्ती तारों और अंधियारों से, शेर करते नहीं है मेल जंगल के सियारों से, और राष्ट्रभक्त करते नहीं दोस्ती राष्ट्र के गद्दारों से। सुरक्षा के बाद स्वाभिमान। स्वाभिमान 2004 से 2014 तक हमारा स्वाभिमान डगमगा जाता था देश का, जब ध्यान में आता था 2G 3G 4G जीजा जी कॉमनवेल्थ जी। कॉमनवेल्थ में हम एक पुल नहीं बना पा रहे थे, ध्यान है हम लोगों को? स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए पुल बनाते, पुल टूट जाते, फिर बनाते, फिर टूट जाते। ऐसा लगा कॉमनवेल्थ गेम्स ये हिंदुस्तान कर पाएगा? ये तो इनएफिशिएंट लोगों का देश है, ये तो भ्रष्टाचारियों का देश है, ये तो मूर्खों का देश है। कहाँ था राष्ट्रीय स्वाभिमान? वो तो जीरो पे जीरो ही गिनते रहते थे भ्रष्टाचार में, और लोग कहते थे जीरो लॉस थियरी।
भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं। लेकिन आज आज जब ऐसा देशभक्त राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो कुंभ का आयोजन होता है, जो दिव्य कुंभ रहता है और भव्य कुंभ रहता है। आप में से कितने लोग कुंभ में गए इस बार? हमने जाकर देखा, कोई बिछड़ा नहीं, कोई डूबा नहीं, कोई लापता नहीं हुए। ना भाइयों के बिछड़ने का वो एरिया था, ना मिलने का एरिया था। 24 घंटे बिजली रही, 24 घंटे पानी रहा, सफाई ऐसी कि हमने घर में आकर दो बार सफाइयां करनी शुरू कर दी कि घर भी साफ होने चाहिए। 25 करोड़ लोग आए, एक दुर्घटना नहीं हुई। ये होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान। जब कितनी इंटरनेशनल डेलीज ने लिखा कि यहाँ तो 2 करोड़ लोग कहीं इकट्ठे होते हैं किसी देश में, तो आफत मच जाती है, इट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। यहाँ 25 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, ना भाषा जानते थे, ना वेश एक जैसा था, ना एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते थे, पहचानते थे। आए, चुपचाप डुबकी लगाई, गंगा मैया का नाम लिया और चले गए। शांति से सब संपन्न हो गया और प्रियंका गांधी जी ने भी डुबकी लगाकर गंगा मैया का जल ग्रहण किया, क्योंकि गंगा मैया का जल वहां साफ था। योग, मुझे ध्यान है 2004 और 2014 के बीच में लिटिगेशंस आती थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट में आ रखे ना, केंद्रीय विद्यालय में आप कैसे पढ़ा सकते हो प्रायर, ऐसे लिटिगेशंस आती थी। योगा सिंबलाइजेस हिंदुइज्म, हाउ कैन यू टीच योगा, इट इज एंटी सेक्युलर, इट इज कम्युनल। मोदी जी कहते हैं गेट लॉस्ट। उन्होंने कहा योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को पूरे विश्व के पटल पर प्रस्थापित करूंगा। और जब योगा का यूएन में रेजोल्यूशन आया तो देशों में होड़ लग गई कि मोदी जी हम भी समर्थन करना चाहते हैं। लगभग 200 देशों ने योगा के प्रस्ताव का 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हो इसका समर्थन किया। और आज आप देखिए नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में हर जगह योगा डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें योगा टीचर्स चाहिए, हमें और लोग चाहिए, हमें योगा टीचर्स चाहिए। कितनी रिक्रूटमेंट हो रही है, कितने लोगों को जॉब मिल रही है। और जब योगा जाता है वो अकेला नहीं जाता, योगा जाता है तो भारत का जीवन दर्शन भी जाता है, आयुर्वेद भी जाता है, गीता भी जाती है और हिंदुत्व भी जाता है। तो मैं आखिर में यही कहूंगी आपसे कि पहले जब प्रेसिडेंट हाउस में लोग आते थे तो ताजमहल दिया जाता था, आज गीता दी जाती है। मोदी जी कहते हैं कि गीता वो सर्वश्रेष्ठ तोहफा है, गिफ्ट है, जो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, वाई नॉट मैं यही दूंगा। तो जब योगा और गीता कम्युनल से सेक्युलर हो जाते हैं तो ध्यान कीजिए जो राष्ट्र है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए कैंडिडेट्स मत देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज मत देखिए, ये जो लड़ाई है ये उनके बीच में है जो कहते हैं नेशन फर्स्ट और जो कहते हैं योर नेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा आपकी है जो कहती है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, और दूसरी वो विचारधारा है जो कहती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहती है हिंदू आतंकवाद, जो कहती है कि आर्मी का जवान ये तो रेपिस्ट है, सेक्सुअल असॉल्टर है, जो जाट गुजर और अलग अलग नामों पर अलग अलग अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुस्लिम्स की बात करते हैं, कभी कहते हैं फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स, और आज जगह जगह अपने कोट के ऊपर जनेऊ डालकर घूम रहे हैं कि हमारे डीएनए में तो ब्राह्मणों का डीएनए है। वी शुड अपोज दिस इलेक्टोरल हिंदुइज्म। आप पूरे देश की बात कब करेंगे? आप देश के वंचित समाज की बात कब करेंगे? आप धर्म और जाति से ऊपर रुककर मनुष्य मनुष्य की बात कब करेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, आप उसकी बात कब करेंगे? इंडिया दैट इज भारत है, इंडिया तो 1947 में नवजात शिशु था, इसका चाचा ताया मामा भुआ कौन होंगे, इसके प्रेरणा स्रोत कौन होंगे, वो देखना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं उन्होंने कहा भारत को देखो। भारत क्या है? भारत है भा प्लस रत, यानी
सीकर्स ऑफ नॉलेज, हमारा एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, हम लगातार नॉलेज को सीख करते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कण कण में भगवान, हम कहते हैं कि सभी जो रास्ते हैं उस ईश्वर की ओर जाते हैं, हम कहते हैं कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम कहते हैं कि सर्वे भवंतु सुखिना, सबका कल्याण हो। और सर्वे भवंतु सुखिना में आदमी भी आता है, औरत भी आती है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, शेड्यूल कास्ट भी आता है, कीड़े मकौड़े भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तो हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हमारा तो एक परिवार है। तो इसीलिए आप सभी के हाथ में आज वो ब्रह्मास्त्र है जो इस समय ललिता जी सबकी ओर कर रही हैं, वो 8 इंच का ब्रह्मास्त्र मोबाइल फोन आपके हाथ में है। इस ब्रह्मास्त्र पे आप सुबह से शाम तक कितने लोगों से बात करते हैं, आपके एक एक व्हाट्सएप पे तो 256 लोग हैं, और आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं मुझसे ज्यादा तो ये आप जानते हैं। आप एक एक व्यक्ति जब इस ब्रह्मास्त्र का ठीक से इस्तेमाल करेगा, 10 पेज रोज पढ़ेगा, 1 पेज रोज लिखेगा, आप देखिए क्रांति आ जाएगी। आप जब पढ़कर लिखेंगे और बताएंगे कि ये इस बारे में नहीं है कि किसने आपको फ्री में बिजली दे दी, पानी दे दिया, आपके बच्चे का एडमिशन करा दिया, ये तो राष्ट्र की बात है कि इस राष्ट्र में आपका बेटा आपका पोता भारतीय के नाते जिंदा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए इस ब्रह्मास्त्र का, अपने मोबाइल फोन का हम सही से इस्तेमाल करें, 10 पेज पढ़ें, 1 पेज लिखें, अच्छी बात उस पर लिखें। आप वो लॉयर्स हैं जिन्होंने निर्भया के किस केस में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल कर रख दिया, एविडेंस एक्ट चेंज कर दिया आपने उसमें, हाँ CRPC चेंज कर दिया। आप वो हैं जिन्होंने कहीं भी अगर अन्याय होता है, शनि श्रृंगापुर से लेकर हाजी अली दरगाह तक विमेन की एंट्री करवा दी। आप वो हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक समाप्त करके उस पर कानून बनवा दिया, अगली बारी हलाला और पॉलीगैमी की है। तो आप वो हैं जिन्होंने यहाँ भूकंप ला दिया है कि कहीं भी अन्याय होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बी अ पार्ट ऑफ मेक इंडिया फोर्स, नॉट ब्रेक इंडिया फोर्सेस। ब्रेक इंडिया फोर्सेस तो बहुत हैं जो क्या कहती हैं, ऑरन वर्सेस ड्रविडियन, मैन वर्सेस वुमेन, ब्राह्मण वर्सेस दलित, कितने तरह के वो भेद करती हैं। हमें इन भेदों को पाटने का काम करना है, हम मेक इंडिया फोर्सेस हैं, जहाँ भी दरार है उसको कोशिश करके भरना है, और हमें सबकी बात करनी है। तो यही कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।